कांग्रेस की 5 साल की सरकार में पीडीएफ वो शब्द रहा जो अडिग रूप से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। बीजेपी की जो पॉलिसी है बड़ी साफ है, जिताऊ कैंडिडेट का उन्होंने सर्वे किया, उनको टिकट दिए, बागियों को दे दिए और अब वो कहते हैं कि हरीश रावत सरकार को पूरी तरह से रोक देंगे। कितना सफल होंगे वो? देखिए, हरीश रावत सरकार 2017 में आएगी, इसलिए आएगी कि बहुत काम उत्तराखंड में हुए हैं, हर क्षेत्र में काम हुए हैं, मातृशक्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए, पेंशन में बढ़ोतरी और स्वरोजगार के लिए, सड़कों के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम हुए। इसलिए जिस तरह से बगावत करके लोग कांग्रेस से वहां गए और वहां जाके उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया, यहाँ वो भ्रष्टाचारी थे, यहाँ वो बेईमान थे, और जो घटनाक्रम 54 दिन का हुआ निश्चित रूप से बड़ी ताकत भाजपा के लोगों ने लगाई, लेकिन पीडीएफ के लोग विशेष रूप से मजबूती के साथ हरीश रावत सरकार के साथ रहे। काफी लोग आपके खिलाफ नारे लगाते रहे, टिकट की चाहत है भले ही उनके पीछे, मगर और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये कहते रहे कि दुर्गापाल जी ने 5 साल कांग्रेस संगठन की अनदेखी की है। देखिए, बिल्कुल अनदेखी नहीं, कांग्रेस संगठन के लोगों के साथ बराबर सामंजस्य रहा, वो मेरे साथ मिलते रहे, आते रहे, कामों के लिए कहते रहे, लेकिन मैं इस बात को खारिज करता हूँ कि कांग्रेस संगठन, मैं जहाँ प्रभारी मंत्री रहा, जहाँ भी गया वहाँ संगठन के लोगों से मिला हूँ, वहाँ के चाहे अध्यक्ष हों, चाहे नगर अध्यक्ष हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सब जगह मिला हूँ। 2017 की परिस्थितियाँ भिन्न है दुर्गापाल जी, आज सिर्फ विपक्ष में भाजपा के प्रत्याशी नवीन दुमका नहीं है जिनके खिलाफ आपको लड़ना है, बल्कि आप ही के अंदर लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। हरेंद्र बोरा ऐलान कर चुके हैं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे, संध्या डाला कोटी हैं, बीना जोशी हैं, ये वो लोग हैं जो संगठन में अहम पदों पर विराजे हैं और रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि दुर्गापाल को यहाँ 2-2 किलों से लड़ना है, एक है भाजपा का किला और एक अपने के खिलाफ अपनों का किला। देखिए गौरव जी, प्रजातंत्र में सबसे महान जनता होती है, जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है सबको, और मुझे इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना है, कांग्रेस का सिंबल मिलने के बाद, कांग्रेस का प्रत्याशी होने के बाद, ये तो फिर निर्णय आगे का प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी पर है, वो किस तरह से अपने लोगों को संभाले। आपके कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल, आपका साफ कहना है कि अगर जनता फिर 5 साल के लिए उनको मौका देगी तो लालकुआ विधानसभा में जो विकास कार्यों की उन्होंने झड़ी लगाई है उसको आदर्श विधानसभा के रूप में तब्दील करेंगे। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ, अपने सहयोगी मुन्ना अंसारी के साथ, गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज़, लालकुआं।